ओम शांति। 21/6/2023 मतलब 21 जून 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम एक ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ यात्रा करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। आज का प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी यानी हमेशा के लिए स्वस्थ बन जाएंगे। तो इसका उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए, हमेशा के लिए स्वस्थ बनने के लिए, निरोगी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी यानी हमेशा के लिए स्वस्थ निरोगी बन जाएंगे। आज का गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश में रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने के लिए नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने के लिए, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं मात पिता पास मिलने। यह जानते हो, मात पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने के लिए आते हैं। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे, मतलब विदेशों से भी लोग आएंगे। किस लिए आएंगे? कोई चीज देखने के लिए नहीं आएंगे। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं मात पिता से मिलने। मात पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? मात पिता के सामने बैठे हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवान अनुवाच श्रीमत गाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मात पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आवाहन करते हैं कि इस छी छी पतित दुनिया में आओ और आकर के हमको पावन बनाओ। अब वह पराए देश में आया है, तुम भी पराए देश में बैठे हो। यह रावण का देश है। यह अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, शूर्पणखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम हैं। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना ही देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना ही चार भुजाएं हैं तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर में यानी रावण के घर में। तो बाप आकर के तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं, मुक्ति करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने के लिए इस रथ पर बाप सवार होकर के आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य एक जान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, यह चैतन्य है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परमात्मा भी आते हैं,
तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियाँ आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गाड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण पतित पावन हैं, ना ही बाप श्री कृष्ण के शरीर में आकर के पावन बनाते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान अनुवाचरांग हो गया, गलत हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे, क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का आकुपेशन कहाँ। श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का आकुपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं यह तुम बच्चे जानते हो, एक ज्ञान का सागर मोस्ट बिल्बेड माथ पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे और बिकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंच है भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य हो कर गए हैं अभी वह सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित और दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कि कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है, यह तो असंभव है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, सभी यहाँ भटकते रहते हैं। जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजा युवा प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई, कहते हैं ना कि इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना, तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब कमाई की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं, कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसी को पता ही नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है, यह एक जान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहां वेद शास्त्र सुनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं, वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन करके मुक्ति धाम में जाएंगे। हम बच्चे भक्ति मार्ग में सत्संगों में जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो हम बच्चों को पता नहीं होता कि हम ये प्रवचन सुनेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेकिन
यहाँ पर हमको पता है कि अगर हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो इस पढ़ाई से पावन बन करके मुक्ति धाम में जाएंगे। ठीक है, साधु महात्माओं के प्रवचन से अच्छा तो स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको पता रहता है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो आगे चल कर के पैसा कमाएंगे। लेकिन हम साधु महात्माओं के प्रवचन को सुनने के लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम ये प्रवचन क्यों सुन रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमको पता है कि ये पढ़ाई हम किस लिए पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि इस पढ़ाई से पावन बन करके मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहाँ से पार्ट बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पार्ट बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है। बाकी तो सब हैं बहन भाई, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता, मतलब हम सभी मनुष्य आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं और देवी देवताओं की आत्माएं भी परमपिता परमात्मा की ही संतान हैं। तो हम भी परमपिता परमात्मा की संतान और देवी देवता भी परमपिता परमात्मा की संतान, तो बच्चों को बच्चों से वर्षा थोड़ी ना मिलेगा, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा, और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना एक जान नहीं सुना सकते तो तीन पैर पृथ्वी का लेकर के छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड में लिख दो कि आकर के बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो, तुम जिसको मात पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो, इनके साथ रहते हुए सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाप का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप आर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, अब अमृत का धंधा करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक सात रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई, तो यह कायदा नहीं। जब तक सात रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो हैं ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे मात पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, यह बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे तीन इंजन मिले हैं, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है, तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो, वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं कि घर में रह करके ऐसा समझो कि सब बाबा का है,
ऐसे समझकर खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो, इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं, भल बैठा घर में है, परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी यानी हमेशा के लिए स्वस्थ निरोगी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सेनेटोरियम। उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एबर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए, एबर हेल्दी एबर वेल्दी एबर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्यालात से आते हो ना? यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ यात्रा करने के लिए तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा, आवाहन करते हैं बाप के आने के लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने के लिए, क्योंकि जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने के लिए, सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया तो एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। हठ योग करने के लिए अथवा तीर्थों पर धक्का खाने के लिए तो नहीं कहते हैं। अमेरिका हो, फिलीपाइन हो, चाहे लंदन हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे कि स्वर्ग के सुख तो काकभिष्ठा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, नियम ही नहीं है, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी यह पाठशाला अजून बहुत वृद्धि को पाएगी, यह विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसीलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है, जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते, जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा, चुम्बक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिगिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा है, बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले करके उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। आज का वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है, हर गुण हर शक्ति हर एक ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ।
अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है, इसका महत्व जान करके पूरा लाभ लो। अगर आपको आज की मुरली समझ में आ गई तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।